भरतपुर के समस्त क्रिकेट प्रेमी एवं जनता जनार्दन तथा राजस्थान क्रिकेट संघ एवं राजस्थान की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। मेरे खिलाफ आज मैंने सोशल मीडिया पर देखा 3 व्यक्तियों द्वारा TADA के पैसे लेने का गबन का आरोप लगाया गया है। ये आरोप सरासर निराधार है, क्योंकि जिन व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाया गया है वो खुद व्यक्ति मोनू रोतवार मेरे जिले भरतपुर में नदवई तहसील में क्रिकेट अकेडमी चलाते हैं, उसके साथ उनका भांजा है, उसके साथ उनका ही स्टूडेंट है। जिला क्रिकेट संघ की जो 19 की टीम गई थी उनमें 20 खिलाड़ी टीम में थे। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा 16 खिलाड़ियों को TADA दिया गया, उन 16 खिलाड़ियों को TADA मेरे ही आदेश पर 20 खिलाड़ियों में बंटवाया गया। चूंकि हमारी टीम राजस्थान का फाइनल खेली थी, इसलिए मैंने सभी खिलाड़ियों को मौका दिया था बारी बारी। जितना अधिकार उन 16 लोगों का TADA लेने का था, उतना ही अधिकार उन बचे 4 लोगों का था जो भरतपुर टीम में थे। तो ये सरासर नजर है, जो खिलाड़ी 20 थे उनको बंटवा दिया था। हमारे मैं जब सचिव बना भरतपुर में, उस टाइम कोई भी खिलाड़ी इंडिया नहीं खेला था। मेरे सचिव बनने के बाद आकाश सिंह नगर के अंडर-19 इंडिया खेले, वर्ल्ड कप खेले, एशिया कप खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, IPL खेले, राजस्थान खेले, अन्य टीमों में आज भी मौजूद है आकाश सिंह। उसके बाद कार्तिक शर्मा रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, चेतन शर्मा मेरा एक स्टूडेंट अभी अंडर-19 इंडिया एशिया कप की टीम में है रिसेंटली, अनगिनत रणजी राजस्थान टीम में खेले, चैलेंजर ट्रॉफी खेले। ये आरोप सरासर विरोधाभास है, ये जिला क्रिकेट संघ पर कब्जा करने की षड्यंत्र है, उसकी बदनीति से नियति से ये मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, और ऐसे आरोप पूर्व भी मेरे पास कई बार लगाए चुके हैं। ये एक भरतपुर प्रथा बन गई है, बार बार सचिव पर आरोप लगाओ, मेरी अस्मिता का हनन किया जा रहा है, मैं जिस पद पर हूँ उसका मुझे मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, और मैं इस आरोपों का कानूनी कार्रवाई अपने वकील से सलाह लेकर कानूनी कार्रवाई करूंगा जल्द ही। और मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, मैं किसी भी जांच गुजरने को तैयार हूँ, सच को आंच नहीं होती, मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ। ये जो भी आरोप लगाए सरासर निराधार है, बेरोधार, और इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल जिला क्रिकेट संघ पर कब्जा करने की नीयत है।